माता नैना का 22वां जागरण बड़े हर्षोल्लास से भूंतर से सटे नैना माता मंदिर पिपलागो में मनाया गया। इस जाग महोत्सव के उपलक्ष्य पर माता भद्रकाली, माता कोयला, माता शीतला, माता नागरानी अपने कारकुनों और हरियाणों सहित विशेष रूप से पधारी। जागरण में कुलबी भजन गायकों ने गीतों के माध्यम से माता की महिमा का बखान कर सभी श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। रात्रि 1 बजे माता नैना भद्रकाली ने अपने कारकुनों हरियाणों सहित ढोल नगाड़ों के साथ मंदिर में प्रवेश किया और अंगारों के चारों ओर परिक्रमा की। इस जाग को देखने के लिए हिमाचल प्रदेश के दूसरे जिलों से भी लोग आते हैं। इस जाग की अद्भुत बात यह है कि यहां पर माता के गुरु चेरिया माता का रथ आग के अंगारों पर चलता है और माता रानी की कृपा से किसी के भी पैर में आंच तक नहीं आती। जय माता दी। माता रानी की आज 22वीं जाग पूर्ण हो गई। आज माता रानी ने सब भक्तों को बहुत आशीर्वाद दिया और साल का वितरण दिया कि इस वर्ष में क्या क्या होगा, क्या बीतने वाला है और किस प्रकार की बीमारी आएंगी और किस प्रकार के ग्रह है और उसका निवारण भी साथ में माता जी ने बताया। हमारे इस मंदिर में माता भद्रकाली और कोयला माता और शीतला देवी और नागरानी माता माता नैना के स्थान पर उपस्थित थी और इस दौरान माता की जाग हुई और जाग में माता ने हजारों लोगों का ग्रहों का निवारण भी किया। उनके सर में नारियल घुमा के माता ने उनका ग्रह का निवारण किया और साथ साथ में जिनके बच्चे नहीं होते स्थान पर माता ने उन्हें आज वरदान भी दिया और उनकी गोद हरी भरी हो इसका आशीर्वाद भी दिया। और ये सच है कि उनकी गोद हरी भरी अवश्य होती है और हर साल माता जिनकी गोद में बच्चे नहीं होते उन्हें बच्चे देती है और माता रानी इस तरह हर वर्ष यही अपना आशीर्वाद देती है ताकि भक्त मंदिर में आते और उनका ग्रहों का निवारण होता है, बच्चे देती है और माता अपनी शक्ति का प्रमाण देती है कि मैं आज भी स्वयं इस कलयुग में साक्षात हूँ और अपने होने का माता सदा प्रमाण देती है कि मैं आज भी इस कलयुग में अपनी शक्ति का प्रमाण दे रही हूँ। श्रद्धालु यहाँ आते हैं, सच्चे मन से आते हैं, अपने दिल से आते हैं और भगवती उन्हें आशीर्वाद देती है और जितने भी भक्त यहाँ मंदिर में आए आज तक उनकी मनोकामना पूरी हुई, आगे भी होती रहेगी। अगर भक्ति में शक्ति है तो ये संभव है कि माता रानी हर भक्तों से इतनी शक्ति देकर अपनी आग में चलाती है, एक चेलियों को अपने शक्ति से नचाती है और गुरुओं को अपने शक्ति से उस आग में नचाती है ताकि अपने होने का प्रमाण देती है और किसी को भी इतनी आज तक नहीं आती। और ये सत्य है कि भगवती आज इस कलयुग में भी है, हमें पूर्ण विश्वास है। हमारे मंदिर के सारे जितने भी हरियन के लोग हैं सबको पूर्ण विश्वास है, ये सदा देवी का आशीर्वाद सब पे बना रहे। हम यही चाहते हैं कि हर साल हम माता की जाग बढ़ चढ़ के करें और सबको माता आशीर्वाद। जय माता दी। जैसा कि आज माता रानी की 22वीं जाग माता नैना की यहाँ पिपलागे गांव में बड़ी धूमधाम से मनाई गई, सभी भक्तों ने माता रानी के इस जाग में बहुत ही हर्षोल्लास दिखाया। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पे आए थे और सबसे विशेष बात यह रही कि माता रानी की जाग जैसे हर वर्ष होती है माता रानी के साथ में जो माता की बहनें माता भद्रकाली, माता शीतला और माता नागरानी वो अतिथि देवियों के रूप में यहाँ पे आई थी और सभी ने एक साथ में मिलजुल के ये जाग निभाई। सभी माता के कारकुन और जितने भी यहाँ के स्थानीय लोग और आसपास के जितने भी लगभग ऑल ओवर हिमाचल से यहाँ पे लोग आए हुए थे माता रानी की इस जाग को देखने के लिए। और सबसे खास बात तो यहाँ इस जाग की ये रहती है कि जागरण हर जगह आपने देखे होंगे कि जागरण में माता रानी का गुणगान होता है। यहाँ पर माता रानी के गुणगान के साथ साथ एक बहुत बड़ी बात होती है कि माता देखते हुए अंगारों पर नाचती है। माता के जितने भी गूर चेलियाँ और यहाँ तक कि माता के रथ सभी आग के अंगारों के ऊपर नाचते हैं और 2 से 2.5 घंटे तक आग के अंगारों के ऊपर नाचने के बावजूद किसी के पैरों में आंच तक नहीं आती। ये महामाई का चमत्कार है। वैसे प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, आप सभी ने
देखा कि किस प्रकार से दहकते हुए अंगारों पे माता रानी के गुर, माता की चेलियां और माता के रथ चले और किसी के पैर में इतनी सी भी आंच नहीं आई। ये महामाई की शक्ति है। जय माता दी। उज्जवल हिमाचल के लिए कुल्लू से मनीष ठाकुर की रिपोर्ट। बुडमल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।